आज मैं बात करूंगा सिस्टोन की। ये एक हिमालय कंपनी का प्रोडक्ट है। आज मैं पूरी तरीके से इसके बारे में ही इंफॉर्मेशन दूंगा आप लोगों को। अगर आपके परिवार में किसी को भी स्टोन की प्रॉब्लम है, या आपको स्टोन की प्रॉब्लम है, या आपके परिचित में किसी को भी स्टोन की प्रॉब्लम है, या यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं केवल सिस्टोन के बारे में ही आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा, इन्फॉर्मेशन दूंगा, इसके यूजेस के बारे में, इसके डोजेस के बारे में, इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करूंगा। पहले जान लेते हैं सिस्टोन है क्या। सिस्टोन एक हिमालय कंपनी का ब्रांड है जो कि पूरी तरह से आयुर्वेदिक है। इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं वो पूरे के पूरे आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट मिला हुआ है वो है शीलपुष्पा, पाषाण वेदा, मंजिष्ठा, नागर मोथा, ये सारे के सारे आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं। ये एक पूरी तरह से आयुर्वेदिक ब्रांड है सिस्टोन। अब आते हैं इसके यूजेस पे। इसका जो मोस्टली यूजेस है वो है स्टोन को खत्म करना और स्टोन के फॉर्मेशन को रोकना। बहुत सारे लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं, कभी इनको किन्हीं को किडनी में स्टोन हो जाता है, कभी ब्लैडर में स्टोन हो जाता है, तो उस स्टोन को ये खत्म करता है, उस स्टोन को तोड़ता है और यूरिन के द्वारा उस स्टोन को बाहर निकालता है। बहुत सारे लोग को ऑपरेशन के द्वारा स्टोन को बाहर निकालना पड़ता है, उसके बाद उस जगह पे फिर से स्टोन का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। उस फॉर्मेशन को ये रोकने का भी काम करता है। अगर आप इनिशियल पीरियड में आपको पता चल जाता है कि आपके ब्लडर या किडनी में स्टोन है, तो वहां पे इसका यूज बहुत ही बेहतर देखा गया है। सीवियर केसेस में इसका यूजेस थोड़ा कम देखा गया है स्टोन को तोड़ने में, लेकिन इनिशियल पीरियड में इसका यूजेस, इसका जो वर्क है वो थोड़ा बेहतर देखा गया। आप इसे ले सकते हैं पूरे डोज के साथ में। और नेक्स्ट है यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी इसका यूज देखा गया है, बट उतना अच्छा यूज इसका यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में नहीं है। हाँ, किडनी स्टोन ब्लडर स्टोन को खत्म करने में इसका यूज, इसका जो रिजल्ट है वो थोड़ा बेहतर देखा गया है। अब आ जाते हैं इसके डोजेस पे। इसका क्या डोजेस है। अगर आपको इनिशियल पीरियड में पता चल जाता है कि आपके किडनी में स्टोन है या ब्लडर में स्टोन है, तो आप इसे 2 टैबलेट ट्वाइस अ डे आप इसे ले सकते हैं, यानी 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट शाम को आप इसे रेगुलर डोजेस बेसिस पे ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों को रिफॉर्मेशन होता है, स्टोन का रिफॉर्मेशन हो जाता है, या तो एक बार स्टोन खत्म हुआ उसके बाद दोबारा स्टोन वहां पे बनना शुरू हो जाता है, तो उन लोगों के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि इसे रेगुलर डोजेस पर लेते रहें। 2 टैबलेट सुबह 2 टैबलेट शाम लेने के बाद अगर आप स्टोन या तो ऑपरेशन से निकालते हैं या इसके द्वारा निकल जाता है, तो आप 1 टैबलेट सुबह 1 टैबलेट शाम इसे आप रेगुलर बेसिस पर खाते रहें, इसका डोजेस लेते रहें। इसका जो डोजेस है, जो मतलब इनिशियल पीरियड में इसका जो डोज है वो 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट शाम, और रेगुलरिटी के लिए 1 टैबलेट सुबह और 1 टैबलेट शाम को इसका डोजेस है। अब जान लेते हैं इसका कोई साइड इफेक्ट है या नहीं है। अगर आप सिस्टोन रेगुलर बेसिस पर यूज करते हैं तो इसका कोई साइड इफेक्ट आपके बॉडी पर दिखेगा या नहीं दिखेगा। मैंने पहले ही बताया है कि ये हिमालय कंपनी का एक ब्रांड है, आयुर्वेदिक ब्रांड है, तो इसका कोई भी साइड नहीं देखा गया है, क्योंकि एक आयुर्वेदिक है इसलिए इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसे रेगुलर बेसिस पर यूज कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुंच सके।